बैरसिया विधानसभा के विधायक विष्णु खत्री ने होली की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए बैरसिया विधानसभा के विकास के बारे में हेडलाइन 24 से की चर्चा। सर, होली के मौके पर त्योहार आया है, होली का ये त्योहार उमंग और उत्साह का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है। किसानों की फसल पक गई है और खुशी में लोग उत्साह और उमंग के साथ में इस त्योहार को मनाने वाले हैं। होली के इस पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को, बेरसिया वासियों को, भोपाल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं, सामाजिक समरसता के साथ में इस त्योहार को मनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। सर, इस बार होली का जो रंगीन त्योहार है, सरकार ने उसको रंगीन बना दिया। बहनों के लिए 1000 रुपए योजना, बजट में बहुत सारे प्रावधान लेकर गरीब परिवार के लिए। निश्चित रूप से प्रदेश की शिवराज जी की सरकार हो या केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये गांव गरीब, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, हर वर्ग के लिए योजनाएं संचालित कर रही हैं। अभी हम लोगों ने विकास यात्रा में इन योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए हैं और कल ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अपने जन्मदिन पर एक अभिनव योजना माताओं बहनों को समर्पित की है, लाडली बहना योजना। इसमें वो जो है जून से बहनों के खाते में इसकी राशि पहुंचने वाली है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 25 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी और उसमें बहनों को 1000 रुपये महीने उनके खाते में सीधे जाने से कहीं ना कहीं उनको अपने रोजमर्रा के उसमें बाकी सब कामों में 1000 रुपये महीने एक ये कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान करेगा। सर, राजधानी सचिव पंचायत विधानसभा बैरसिया विधानसभा जो ग्रामीण क्षेत्र में आती काफी पिछड़ी हुई थी, पिछले 5 साल में काफी विकास हुआ गांव पहुंचे। निश्चित रूप से बैरसिया विधानसभा के हम जब बात करते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमने अधोसंरचना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अभी हमने विशेष रूप से अब हम चिकित्सा के क्षेत्र में और अभी हमने विशेष रूप से अब हम उद्योग और स्वरोजगार इस दिशा में भी हम बहुत लगातार काम कर रहे हैं। बैरसिया में एक औद्योगिक पार्क आया है जिसका भूमि पूजन अभी 14 फरवरी को माननीय शिवराज जी ने किया। अचारपुरा में फैक्ट्रियां आई हैं, बीनापुर में एक उद्योग आ रहे हैं, अभी हम नजीराबाद में उद्योग लेकर आ रहे हैं। बैरसिया में एडीजे कोर्ट आई है, सिविल हॉस्पिटल आया है, स्कूलों का उन्नयन हुआ है, नवीन ITI आई है, अनेक उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, अनेक काम वहाँ पर हुए। सर, अगला क्या विकास रहेगा? अगला हमारा पूरा विकास रोजगार पे हमारा फोकस है। हमारा फोकस घर घर जल और किसानों को नहरों के माध्यम से सिंचित रकबा बढ़ाना, ये हमारा आने वाले समय में हमारा कार्य योजना का हिस्सा होगा। जुड़े हुए थे पहले से विधानसभा के विधायक श्री विष्णु खत्री जी, उन्होंने होली को बधाई देते हुए कहा कि हमारा अगला विकास कदम होगा युवाओं को रोजगार देना और बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसी फैक्ट्री स्थापित करना जिसको युवाओं को रोजगार मिले और आने वाले समय में किसानों के लिए भी हम कोई ऐसी योजना लाएंगे जो किसान बैरसिया से भोपाल आने में समर्थ है, वो अपने बैरसिया में ही अपने सारे काम निपटा सके। वास्तव में बैरसिया विधानसभा जो पिछले हम 10 सालों की बात करें पिछड़ी हुई थी, लेकिन आज जिस स्थिति में विकास की हम बात करें तो गाँव गाँव तक रोड, गाँव तक पानी, ये सब भारतीय जनता पार्टी दिए ने और विष्णु खत्री जी ने घर घर जाकर जिस प्रकार विकास की बात जनता को समझाइए, शिवराज की योजना समझाइए, वास्तव में बैरसिया के आज हालात कुछ और है। हेडलाइन गुंडू को संतोष।